हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम सेवन पॉइंट सो हमारा जो लेसन चल रहा था वो एच चल रहा था कि सेवन पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स विच इन विच द फर्स्ट एच डॉक्यूमेंट सेव्ड यू विल सी द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऑन द राइट पेन ये जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है उसमें आपको दिख जाएगा लेफ्ट पेन में जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी दिख हुई है वो खोलेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि आपको जो एस डॉक्यूमेंट आपने जो लिया था वो आपका खुल जाएगा देखिए ओपन फोल्डर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी किया तो आपने जो एस फाइल बनाई थी फर्स्ट एस करके वो आ जाएगी ठीक है क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद द विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट डायलॉग बॉक्स क्लोजेस एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट अपेयर्स ऑन द डायग बॉक्स वो हो उसको क्लिक करने के बाद ये जो नीचे दिया हुआ है देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है ओपन में डॉक्यूमेंट नेम ओके क्लिक करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट नेम था वो इंटरनेट एक्सप्लोर में खुल जाएगा ओके नाइन पॉइंट क्या है क्लिक ऑन द ओके इंटरनेट एक्सप्लोरर योर एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एंड अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट ये जो ऊपर ओपन में डाला है एड्रेस डाला है उस फाइल का ओके okay करने के बाद जो इंटरनेट एक्सप्लोरर थे वो आपको एस टी एम एल डॉक्यूमेंट ऑफ वेब पेजेस डिस्प्ले कर देगा ओके उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद ये देखिए ये पेज ये विंडोज़ खुल जाएगी इंटरनेट एक्सप्लोरर की द टाइटल बार कंटेंट्स एड्रेस बार ये खुल जाएगा आपका इसमें देखिए आपने जो जो एस डॉक्यूमेंट में मतलब वो जो फाइल थी उसमें टाइप किया था वो आ जाएगा कंटेंट टाइटल बार में आपका माई एस डॉक्यूमेंट जो आपने नाम डाला था वो एड्रेस बार मतलब कौन सी फाइल में वो एस फाइल सेव है वो पहले से लास्ट तक वो आएगा देखिए सी यूज़र में अस्मिता में डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में अपने फर्स्ट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल खोला तो वो आ गया देखिए एड्रेस बार मतलब किस फाइल में वो फोल्डर में वो सेव की गई है द टेक्स बिटवीन टाइटल एंड डैश क्लोज टाइटल माई एस्टिमेट डॉक्यूमेंट इज डिस ऑन द टाइटल बार जो टाइटल में टाइटल क्लोज टाइटल में जो दिया था माई एस्टिमेट डॉक्यूमेंट में कंटेंट में वो टाइटल में आ जाएगा ओके द एक्टिव टैब माई एस्टिमेट डॉक्यूमेंट इज सो डिसप्लेस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट माई एस टी एमल डॉक्यूमेंट ये देखिए ये जो टाइटल बार है ना यहाँ पे माई एस टी एम एल डॉक्यूमेंट जो लाइव एक्टिव टाइटल बार है वो यहाँ पे दिखाएगा द टेक्सड डॉक्यूमेंट बॉडी एंड द क्लोज बॉडी आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट एस्टिमेल डॉक्यूमेंट इज प्लेस द ब्राउजर जो आपने कंटेंट डाला था उस एस टी एम एल पेज में आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट एस्टिमेल डॉक्यूमेंट बॉडी में जो दिखा हुआ रहता है बॉडी में आपको पता ही है कि पिछले लेक्चर में बढ़ाया था कि बॉडी में आपका जो एस टी एम एल कंटेंट ही आता है द फर्स्ट एड्रेस बार का द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट उसके नीचे जो एड्रेस बार दिया है देखिए ये जो एड्रेस बार दिया है उसमें क्या क्या बताया है द एड्रेस बार डिस द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब वो फाइल कौन से डॉक्यूमेंट में कौन से फोल्डर में कौन से फाइल में स्टोर की गई है वो बताता है देखिए पहले सी फोल्डर में यूजर में क्लिक करने के बाद अस्मिता खोलेगा अस्मिता खुलने के बाद डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी खोलने के बाद आप वो फर्स्ट एस टी क्लिक करने के बाद वो खुल जाएगी ओके उसके बाद ये देखिए रिमेंबर यू कैन व्यू ऑल्सो एस्टिमेट डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग क्लिक द नॉम एन द लाइब्रेरी उसके क्लिक करने के बाद भी वो खुल जाएगा ओके okay? मतलब वो पूरा प्रोसेस करने के अलावा सिर्फ आप उस डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो भी वो पेज खुल जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट है अपना हेडर्स हेडर्स आर यूज टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ हेडिंग्स जो हेडिंग्स डालते हो आप टेक्स्ट में उसको चेंज करने के लिए हेडर्स यूज होता है

एच सिक्स एंड क्लोज एच सिक्स इज द स्मॉलेस्ट टेक्साइल्स ओके एच टी एम एल ऑटोमेटिकली एड्स अ ब्लैंक लाइन बिफोर द बिफोर एंड आफ्टर अडिंग जो एच टी एम एल डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपने एच वन टू क्लोज एच वन डाला एच वन टू क्लोज एच वन डाला एच सिक्स टू क्लोज एच सिक्स डाला मतलब कोई भी आप हेडिंग टैक्स डालोगे तो अप ऑप वो ए ब्लैंक लाइन ऐड कर देगी बिफोर एंड आफ्टर द हेडिंग ओके ये देखिए देखेंगे कैसे होता है ओपन द नोट पैड एंड क्रिएट द फॉलोइंग एस्टिमेट डॉक्यूमेंट टू सी द सिक्स साइज ऑफ हेडर्स अपन ने ये खोला डॉक्यूमेंट ठीक है यहाँ पे देखिए एच वन साइज वन एच वन एच वन क्लोज ऐसे एच सिक्स तक डाला साइज मतलब साइज डाली है उसमें हर एक की ये डाला है हेडिंग्स डाली है उसमें ऑन द नेम मेनू बार क्लिक ऑन द फाइल यू विल सी द ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक फाइल में जाने के बाद ये देखिए ये ड्रॉप डाउन ये पेज खुलेगा इस पेज में खुलने के बाद ये सेव ऑप्शन दिया हुआ है देखिए ये सेव करेंगे उसके बाद में ऑन द दिस मेनू क्लिक ऑन द सेव यू विल सी द सेव एज अ डायलॉग बॉक्स वो सेव करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इसमें आपको क्या करना रहता है पता है ना आपको इसमें आपको वो फाइल सेव करनी रहती है देखिए फाइल नेम डाला है डॉट टी एक्स ट्री करके आप यहाँ पे फाइल का नेम डाल के वो सेव कर सकते हैं देखिए आगे फोर्थ पॉइंट है इन द फाइल नेम टाइप द साइज डॉट एच टी एम एल विथ विच यू वॉन्ट टू सेव डॉक्यूमेंट वो जो साइज नेम था वहाँ पे आप साइज़ डॉट एच टी एम एल डाउन करके सेव कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद पाँचवा पॉइंट है क्लिक्स ऑन सेव द डायलॉग बोर्ड क्लोज एंड द डॉक्यूमेंट सेव एज डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सेव करने के बाद वो जो डायलॉग बॉक्स है क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा

आपको वो खोलनी होगी तो इन आपको आपका आपकी चेंजेस देखने होंगे वो फाइल देखनी होंगी तो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद इंटर ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना पड़ेगा एट पॉइंट है ऑन द मेन्यू बार ऑफ द ब्राउजर क्लिक ऑन द फ़ाइल फाइल प्लिक करने के बाद यू विल ड्रॉप डाउन द मेनू उसके बाद ड्रॉप डाउन द मेनू करना पड़ेगा ओके ये देखिए एक्सप्लोर खोलने के बाद ये ओपन फाइल में जाएंगे ओपन करेंगे तो ओपन में आपको जो फाइल खोलनी है वो आ जाएगी ठीक है देखिए नो नाइन पॉइंट क्या है क्लिक ऑन द मेनू क्लिक ऑन ओपन यू विल सी द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद ये नीचे वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये खुल जाएगा ओपन यहाँ पे आपकी जो पाथ है वो कहाँ सेव किया गया है या ब्राउज ये देखिए ये जो एरो है ना यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वो ब्राउज कर सकते हैं ठीक है थीके? टेंथ पॉइंट है क्लिक ऑन द ब्राउज यू विल सी द विंडोज एक्सप्लोर डायरेक्ट ब्लॉक्स ब्राउज करने के बाद जो फिर से डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी खुलने के बाद वहाँ पे आपको फाइल मिलेगी आपको वहाँ से वो ओपन करनी पड़ेगी डबल क्लिक कर दे ओके वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू